हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम काजल नेगी। स्वागत है आप सभी का काजल के व्लॉग्स में। अभी पहुंच गए हैं करण प्रयाग। डायरेक्टली मैंने आज घर से शूट नहीं किया है, पहुंच रही हूँ करण प्रयाग में। नदी के ऊपर हूँ, पुल के सामने। सामने क्या, पुल पर ही चल रही हूँ। साथ में मेरे पापा हैं। पापा हेलो कर दो। हेलो। पापा की अब ना तबीयत ठीक हो गई है। दो चार दिन से ना, मतलब एक हफ्ते से बहुत ही तेज फीवर चल रहा था, आज फीवर उतर गया है। तो हम जा रहे हैं टेम्पल में। टेम्पल का नाम है तुलसी महादेव, इधर ही पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर इस डॉगी का कलर देखो, कैसा लग रहा है, जैसे चीता हो गए। भैया ये गाड़ी कहाँ जा रही? गोपेश्वर बढ़िया बढ़िया। तुलसी महादेव टेम्पल जानते हैं आप? सुन ला, मैं पढ़ता छोड़ दोगे? हम दोनों। ये पापा अब तो तबीयत ठीक हो गए ना? हाँ ठीक हो गए। परसों तक कैसी हो रही थी? बहुत खराब हो गई। पापा बोलते मुझे नदी किनारे ले गई, पता नहीं छल लगा दिया होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर बाद में बोल रहे हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा भोलेनाथ का नाम लो, जो ब्रह्मांड के नायक है, त्रिकालदर्शी है, कालों के काल है, उनका नाम लो यार। लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि काल का भी नहीं, सॉरी काल भी क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाल का। सो अभी पापा हम कहाँ जा रहे हैं? अभी सुनला में है एक तुलसी महादेव का टेम्पल। दोस्तों मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। पापा गए हैं? पापा भी नहीं गए हैं। तो आज का प्लान यार, पापा कह रहे हैं ना मुझे केदारनाथ चढ़ाई होती है, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो ठीक है, छोटी छोटी यात्रा ही कर लेंगे, भगवान तो सब जगह है, क्यों? चाहे छोटा वो मंदिर चाहे बड़ा वो मंदिर, तो तुलसी महादेव भी जाना माना है। तो चलिए आज इसी बहाने हम तुलसी महादेव के टेम्पल भी देख लेंगे। और गाइस प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा ना हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आप ज़्यादा बड़ी फैमिली बना देंगे यूट्यूब पे, तभी तो हम बड़े बड़े ट्रैक करेंगे। अब छोटे से शुरू होकर ना इंसान ही बड़े कदम रख सकता है, तो बस यही चीज़ है। तो दोस्तों अभी जो है समय सुबह के हो रहे हैं 8 बज रही है, और ये करण प्रयाग का आधा मार्केट है, आधा इससे आगे होगा। फिलहाल गाड़ी यहीं पे लगी है, तो यहीं पर का बाज़ार आपको दिखा रही हूँ। ये पुल के पास ही कुछ दुकानें लगी है। और सुबह सुबह आप बोल रहे होंगे यहाँ पर हमको चप्पल दिखा रही है, को चूज़ करो भाई, ले लो ले लो, 50, 100, 150 की होंगी। सब जगह अगर कहीं भी ट्रैवल करो ना, तो जाम जाम जाम, यात्रा सीजन में इतनी परेशानी आती है जाम के कारण। दूसरी बात यह है कि अपनी ही गाड़ी होनी चाहिए, तब ज़्यादा ठीक होता है। दोस्तों अभी मैं हूँ सोनला में, जो कि करण प्रयाग से कुछ ही मीटर, शायद कह सकते हैं 8, 10, 12, 6, नेट में भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो उसी हिसाब से बता रही हूँ आप लोगों को। फिलहाल गौचर, गौचर के बाद करण प्रयाग, करण प्रयाग के बाद सोनला, और यहाँ पर है मंदिर जय तुलसी महादेव सोनला नाम से। तो जो है कि रास्ते में आप बद्रीनाथ जाएंगे, कहीं भी कोई यात्रा करने जाएंगे इधर साइड चमोली के साइड, तो बीच में आपको जय तुलसी महादेव का मंदिर दिखेगा। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे। दोस्तों पापा यहाँ पर बोल रहे चढ़ाई तो नहीं है, अब मुझे भी नहीं पता चढ़ाई कितनी है, ये क्या है, क्या पता यहीं पर हो मंदिर, क्या पता थोड़ा सा चढ़ाई हो। अब ये तो जाकर ही पता चलेगा, पहली बार आ रहे हैं। जब हम कहीं जगह जाते हैं पहली पहली बार, तभी तो पता चलता है कि कैसी जगह है, कहाँ है, कितनी चढ़ाइयाँ हैं, कैसा मंदिर है। मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी जगह है जाकर ही पता चलती है ना पापा। तुलसी माता, तुलसी माता, मम्मी का नाम है तो सही तुलसी, वो है तो सही तुलसी माता। दोस्तों मेरी मम्मी का नाम भी तुलसी है, इसलिए तुलसी माता का मंदिर नहीं है, मैंने कहा तुलसी माता घर में है। फिलहाल दोस्तों रास्ते में इतने बड़े बड़े यूकेलिप्टिस के पेड़ है ना यहाँ पर, और रास्ता कुछ इस प्रकार से है सीधा जाता हुआ।
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दोस्तों अभी इस रूट पर जो है कि मैं और पापा ही थे, अब पीछे से शायद कुछ लोग भी आ रहे हैं। तो चलिए, रास्ता अगर हमें नहीं भी पता होगा और ये लोग अगर यहीं के होंगे आसपास के, तो हम इन्हें पूछ लेंगे। फिलहाल अभी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सल, मतलब यहाँ पर ना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। एक तो बड़े बड़े यूकेलिप्टिस के पेड़ हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं, तो इस वजह से ना जो है कि काफ़ी छाया छाया है, तो ठंडा लग रहा है, मतलब उतनी धूप महसूस नहीं हो रही। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा सा, नहीं पता नहीं ये थोड़ा नीचे होगा। दोस्तों अभी यहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है और एक छोटा सा मंदिर भी है, तो जय हो हनुमान जी का है। चलिए पहले हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ा सा वृक्ष है और वृक्ष के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर बनाया गया है ये। तो जय हनुमान जी, आपका आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं अभी नीचे की यात्रा पर। चलो पापा। बाकी देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सुंदर सा नज़ारा है और मंदिर के पीछे भी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी घनघोर जंगल में आ रखे होंगे। एकदम बड़े बड़े पत्थर हैं भाई यहाँ पर, और एक बड़ा सा जो है कि बांस का पेड़ है, और ये वृक्ष है। वृक्ष का नाम नहीं पता यार दोस्तों मुझे, क्योंकि ये पीपल के टाइप का भी नहीं लग रहा है। पर जय हनुमान जी, जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पर ना सामने से नदी बह रही है, अलकनंदा नदी, और आप उत्तराखंड में आएंगे ना तो आपको नदियों में भी, गुफाओं में भी भगवान नजर आएंगे। कोई पेड़ बना रखा होगा तो उसके नीचे भी एक दिया जलेगा, तो वहाँ पर भी आपको भगवान की आस्था नजर आएगी, पत्थरों पे भगवान की आस्था नजर आएगी। मतलब उत्तराखंड देखा जाए तो कण कण में यहाँ देवता निवास करते हैं। हर हर महादेव। बाबा जी कितना दूर होगा यहाँ से अभी? जी ठीक है, थोड़ा सा दूर है भाई। तो यहाँ पर ना बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष भी हैं, ये देखिए आप, ये तो दोस्तों अगर आप इस टेंपल में आते हैं, रास्ते में ना जो है कि चीड़ के पत्ते हैं जिसमें जो है कि फिसलने का हो रहा है, तो ढंग से है ना मेरे ना दोस्तों, यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लड आ गया ना, पूरा पैर ही कट गया है यार, दर्द हो रहा है। आज ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ नोट कर दी है, सही कहते हैं यार, कोई सुबह सुबह किसी का मुँह देखो ना, शुभ भी होता। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, पर मैंने उस इंसान का मुंह जब भी देखा है ना, मेरे पे चोटी लगी है। भले मैं इस चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन लग रहा है तो अब हो रहा है कि क्या पता ऐसा होता होगा। जब लोग बोलते हैं तो खाली तो नहीं बोलते होंगे। आपको लगता है कि क्या ऐसा होता है कि किसी का मुंह हमारे लिए सुबह सुबह देखो तो शुभ होता है, और किसी का देखो तो थोड़ा सा गंदा जाता है? बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर पूरा का पूरा घनघोर सा जंगल है और चीड़ के ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। सामने से ना बहुत ही ज़्यादा सूर्य की रोशनी आ रही है, और यहाँ पर ना दोस्तों इतने ज़्यादा चीड़ के पेड़ हैं, थोड़ा फिसलने का हो रहा है इनमें, और रास्ता कुछ यहाँ पर से ना थोड़ा पतला पतला होते जा रहा है और सीधा नीचे ऐसा है कुछ, और उसके बाद सीधा नदी है हमारी अलकनंदा बहती हुई। तो अब बस थोड़ा ही और चलना पड़ेगा। पापा धीरे धीरे चलो, इन चीड़ के पैरों में बोल रही मैं, पेड़ों के पत्तों में ना पैर भी फिसल रहे हैं।
मेरे तो पैर में खून आ गया। यहाँ पर ये देखो ना, उस समय उसका पैसा देते समय नहीं हुआ थोड़ा बहुत। अब क्या बोले, अब होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अच्छा पापा, यहाँ बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आकर? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा डेंजर है, एक एक करके चलना सही होगा, नहीं तो सीधा फिसलोगे। पता नहीं, मैं भी पहली बार आ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कितना दूर है। अब दोस्तों यहाँ पर से ना रास्ता थोड़ा पतला पतला होते जा रहा है, तो यहाँ पर ना जब भी कोई आए ना, ज़्यादा मौज मस्ती झूम झाम के डबल ट्रिपल चप्पल, सॉरी चप्पल नहीं यार, ट्रिपल चौवन पचपन, मजाक कर रही हूँ। मतलब कि एक साथ मत जाना, एक एक करके चले जाना, क्योंकि फिसलने का भी है ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है। क्योंकि सीधा नीचे गिरोगे, वहाँ से सीधा वहाँ गिरोगे, इसलिए और भी पतला होते जा रहा है रास्ता यहाँ पर से। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय रुद्रनाथाय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। बोलो हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, रोग हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, संकट हर, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब मंदिर आ चुका है, तो महादेव के नाम लेते लेते हम रास्ते से आ रहे थे और बीच बीच में व्लॉग भी बना रहे थे। और अगर आपको यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं तो कीजिएगा वीडियो को लाइक। फिलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ। फर्स्ट बार आ रही हूँ तुलसी महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। सोनला में पड़ता है, कर्म प्रयाग से कुछ ही किलोमीटर दूर, और उत्तराखंड में, जो कि